टेनी के सामने होगा एक बड़ा खुलासा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना, तो बंद आंखों से भी तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा नजर आएगा। हरमिला, मैं यहाँ तुम्हारे हार के बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है ना? ऐसा भी नहीं सोचा और तुमने मेरे बच्चे की कसम खा ली। अगर उसे कुछ हो गया, क्या होगा मेरे पति का और मेरा? बिल्कुल भी परवाह नहीं। मेरे बच्चे को कुछ तभी होगा ना जब मैं झूठी कसम खाऊंगी। जब मैंने झूठी कसम खाई नहीं तो बच्चे को कुछ क्यों होगा? तुम दोनों को भी मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? तानी झूठ नहीं बोल रही है। पार्थ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन हार जैसी छोटी चीज के लिए तुम्हें बच्चे की कसम नहीं खानी चाहिए थी। अभी अपनी कीमती चीज के लिए मैंने तुम दोनों की कीमती चीज की कसम खा ली। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों मेरे लिए भी अनमोल है। अच्छा चल, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, मेरे को दोनों की कसम नहीं खानी चाहिए। और मैं क्या करती? वो हार मेरे लिए कीमती और उसने गर्मा गर्म मेरे मुंह से निकल गया। मेरे को माफ कर दो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। सुनो, उस हार के बारे में भूल जाओ। मेरी सारी ज्वेलरी देख लेना, तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लेना, ठीक है? एक बात बोलूं सरवरी, तू जलना मत। हो पंद्रह सहार तो तेरे पास भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, हाँ वो तुम्हारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि वो नेकलेस अभी मेरे हाथ में नहीं लगा है। काम पूरा होते ही मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं वो नेकलेस वापस लेने अभी नहीं जा सकती, शायद टेनी भी वहां पे हो। मुझे थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। पार्थ, आपको वाकई नहीं लगता है टेनी जो कह रही है वो सही कह रही है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि टेनी बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगी। हो सकता है उसके हिसाब से उसने झूठी कसम ना खाई हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, सेजल को हार चुराने की क्या जरूरत? अगर उसे हार चाहिए होता तो वो आपसे या दादाजी से मांग सकती है, वो क्यों हार चुराएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि टेनी वो हार कहीं रखकर भूल गई हो या उसे खो गया हो, और सेजल और उसके रिश्ते की कड़वाहट की वजह से शायद टेनी सेजल पर शक कर रही हो? जब मैंने पहली बार उसको देखा तो वो इधर ही खड़ी थी, उसके बाद वो इधर से निकलती सीधा हॉल में गई। वो इतनी सी देर में वो हार किधर गायब कर सकती है? रात को जब मैंने इधर आके बत्ती जलाई तो सेजल उधर खड़ी थी, तो इसका मतलब अगर उसने हार कहीं छुपाया तो यही कहीं छुपा है। थैंक गॉड, अभी तो कोई जागा नहीं। जल्दी जाके मैं नेकलेस निकाल लेती हूँ। अभी भी तुम्हारा दिमाग उस हार में अटका हुआ है? हाँ तो अटकेगा नहीं क्या? मेरी जिंदगी की सबसे कीमती
मेरा मतलब है कि मेरी जिंदगी के पहले प्यार ने मेरे को पहला तोहफा दिया, और अगर वो मेरे से दूर हो जाए तो मेरे को टेंशन तो होगी ना, अनमोल छीना हो मेरे लिए। यहाँ देख, सब समझता हूँ, पर देसी गर्ल, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी लायक बना हूँ, उसकी वजह ये घर है और इस घर के लोग। कड़ाक को जो कुछ भी हुआ, दादाजी ने जो कुछ भी कहा, यार मुझे तो उस बात का बहुत बुरा लगा। सो अगर सेजल ने हार चुराया भी है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसे 10 हार लेकर आऊंगा। वो तो मेरे को पता है तू ले आएगा, मेरे को आखिरी बार खाली वो गमला चेक करने दे। तेनी, लेकिन अब क्या जरूरत है, नहीं मिल रहा। मेरे को अपने मन की तसल्ली के लिए चेक करने देना, एक बार आखिरी बार। मिल गए तसल्ली। ये तुम्हारे लिए। एक्चुअली ये एक सॉरी गिफ्ट है, गिफ्ट मेरी तरफ से और सॉरी टेनी की तरफ से। थैंक यू भाई। टेनी ने जो इल्जाम तुम पर लगाया वो उसे नहीं लगाना चाहिए था, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेजल, एक और बात कहना चाहूंगा, अगर तुम इनोसेंट हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम इनोसेंट नहीं हो, तुमसे कोई गलती हो गई हो, तब भी हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम तुम्हारे अपने हैं। अगर तुम्हारे दिल में कभी भी कोई बात हो जो तुम शेयर करना चाहती हो, प्लीज मुझसे शेयर करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। भाई, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर सकती। अच्छा शॉर्वरी, तुम्हें अब से ना इसे रोज पहनना होगा। हाँ, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं इसे हमेशा पहन कर रखूं। काकी जी आइए ना। हेलो शॉर्वरी, वो केसर वाला दूध बाने भेजा है, मैं पी लूंगी। काकी जी, वो कल जो टेनी की वजह से जो आपको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। तकलीफ कैसे माफ कर? तुम्हारी बहन ने जो मेरे कलेजे पे घाव दिया है ना, जो तेरी सॉरी कहने से भरने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन का क्या है, मुंह उठाया और इल्जाम लगा दिया मेरी बेटी पर। वो तो ऐसा कर सकती है ना, क्योंकि उसके पास तुम्हारी जैसी बहन है, अमन जैसा प्यार करने वाला लड़का है, और हम माँ बेटी के पास, हमारे पास तो कोई नहीं है ना। इतनी खुश थी मैं अपने नए हार के साथ, मेरे को थोड़ी पता था कि इतनी जल्दी मेरी खुशी को किसी की नजर लग जाएगी। बहुत चमक दिखा रही थी ना अपने चेहरे की, तो अब क्या हुआ, लगता है नेकलेस चाहते चाहते तुम्हारी चेहरे की चमक भी साथ ले गया। वैसे असली चमक क्या होती है, यहाँ देख और ये भी देख, मेरा नया गिफ्ट।
बढ़िया है, पर किसका ढापा? या फिर मेरा हार बेच के खरीद के लाई है? पार्थ भाई ने दिया है। जो गलती तुमने की ना उसका सॉरी गिल। आफ्टर ऑल भाई है मेरे, प्यार करते हैं मुझसे। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई गवार सड़क छाप उनकी प्यारी बहन पे इल्जाम लगाए, तो बस कंपनसेशन गिफ्ट है मेरा। पार्थ ने दिया और सॉरी भी बोला। चल पार्थ ने जो किया ना तो किया। अभी तुम मान जाओ कि मेरा हार तू नहीं चुराया और सीधे सीधे मेरे हाथ में वापस रख। ये ले, जितने पैसे ना मेरे पास रख ले, और भी दूंगी, पर मेरा हार वापस कर दे। सिर्फ मेरा हार वापस कर दे, लीव मी। और ये पैसे अपने पास रख। और बुलाओ सबको, इतना तमाशा किया उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? बताओ पार्ट फाइव में तुम किससे शुरू हो गई? कवार। पूरे घर में ढूंढ के आ रही हूँ, तो यहाँ मेरे ही कमरे में खड़ा है। तुम्हारी आधी रात के बाद अचानक से जगने वाली भूख को मिटाने का इंतजाम कर रहा था। आओ, जाओ। तूने मेरे को क्या बोला था कि तू मेरा हाथ ढूंढने के लिए कुछ करेगा, पर तू उल्टा ही कारनामा करके आया ना। तूने सेजल को महंगा मोबाइल गिफ्ट किया, ऊपर से सॉरी भी बोल के आया। पर इसका मतलब यही है ना कि तेरे को भी मेरे पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं टेनी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और मैं जानता हूँ कि तू झूठ नहीं बोल रही है। शांत हो जाओ, पानी पी लो। ये लो। क्यों पियो? मेरे को नहीं पीना। अरे पियो, मैं बोल रहा हूँ ना, पियो। जबरदस्ती क्या? मैं जानता था जैसे ये पानी तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारे अंदर की गुस्से की जो आग है वो बुझ जाएगी और शांत हो जाएगी। अब सुनो, देखो मैं मानता हूं कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार रिश्तों को बचाने के लिए सच्चाई को नजरअंदाज करना पड़ता है, और वही मैंने किया। देखो सेजल मेरी बहन है, अगर सही झूठ का पाठ पढ़ने जाता तो फिर हो सकता है जो तुम कह रही हो वही सच निकलता, लेकिन इसका खामियाजा तो हमारे रिश्ते को चुकाना पड़ता ना, जो मैं नहीं चाहता था। लेकिन तुम उस हार के पीछे इस तरह पड़ गई हो, उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रही हो। देखो टेनी, ये हार, पैसे, ये खुशियां तो देती है, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। असली खुशी चाहिए तो अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखो, या किसी के लिए कुछ करो तो जो सुकून मिलता है वो है असली खुशी। ये सब नहीं, तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ढोकला ज्ञान तू मेरे को मत। एक बात मेरे को समझ आ गई कि तू कुछ नहीं करने वाला, इसलिए ना मेरे को ये लारा लप्पा दे रहा। अभी तू देख, मैं अपना हार भी खुद ढूंढ के लाऊंगी और ये भी साबित करूंगी कि उस तेरी छोटी बहन सेजल ने मेरा हार चुराया। देखना। ओहो, इतना गुस्से से चली आ रही हो, चेहरे का रंग भी उतरा हुआ है। लगता है उस हार को लेकर तुम ज्यादा परेशान हो रही हो। एक काम करते हैं, हम बाहर घूमने चलते हैं। चलो आज। नहीं नहीं, अभी मेरा माथा बहुत घूमा है, मेरे को कहीं नहीं जाना। अरे तुम्हें घुमाकर तुम्हारे घूमते हुए माथे को ही तो ठीक करना है। चलो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैंने बोला ना नहीं जाना है। अरे बस मैंने कहा ना, चलो आज। टेनी की सुई उस हार पर अटकी हुई है, वो इस बात को साबित करने के पीछे पड़ी है कि ये हार से जल नहीं छुरा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। चलो एक बार के लिए मान भी लिया जो टेनी कह रही है सही है, लेकिन इस बात को साबित कैसे किया जाए, क्योंकि सेजल तो कभी इस बात को नहीं मानेगी। मैंने अपने तरीके से कोशिश भी की पर सेजल नहीं माने। मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि टेनी हार खुद ही कहीं रखकर भूल गई है या कहीं उसे गिर गया है। खामखाई वो सेजल पर शक कर जा रही है। जब वापस उसे वो हार मिलेगा ना, I'm sure उसे अपनी गलती का एहसास होगा। कितना बड़ा इल्जाम लगाया उसने सेजल पर। मैं तो कहती हूँ आप भी इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। आज कोई नहीं कह के आई थी रूम, मेरी बात हुई तो बहुत दुखी थी बेचारी, कह रही थी कुछ सही नहीं हो रहा है उनके साथ। ऐसी मामलों को यहीं खत्म कर देना चाहिए, वरना परिवार में दरार आ जाती। सब चाहते हैं ना कि मैं उस हार के बारे में भूल जाऊं, ऐसे कैसे भूल जाऊं मेरे इतने कीमती हार के बारे में। अभी देखना, खुद से अकेले से उस हार को वापस लेके आऊंगी, तभी सबको पता चले। एक बार इस घड़ियाल में 12 बज जाए ना, देख। हाँ लेती
गए बारा, अभी तक तो जरूर वो सो गई होगी। रात को चोरों की तरह कितने जा रही है? तेरी कहीं तेरे हार को ठिकाने लगाने तो नहीं जा रही? नहीं, सेजल छोटी, तो चाहे किधर भी जाए तेनी तेरे को पकड़ लेगी, तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। रुक, मैं तो घबरा गया था। क्या तू भी? अरे वो क्या है ना, नींद नहीं आ रही थी ना, तो टहल रहा था, तो बाद में नींद आ जाएगी। लेकिन तू इतनी रात गई क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? वो अमन है ना, अमन, उसने मेरे को रात को अकेले मिलने बुलाया था, वहीं जा रही हूँ। अरे वाह, अमन को मिलने जा रही इतनी रात को, मिडनाइट रोमांस छुप छुप के? हाँ, जब तक चोरी और रोमांस छुप छुप के नहीं हो तब तक कोई मजा नहीं आता ना। भारत फूफा जी, किसी को बताना नहीं। हाँ प्लीज, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, मस्ट माइंड ब्लोइंग। कहाँ जाना है? मैं सीधा हाथ को उल्टा मुड़ना, उसके बाद सीधा चलना। मैं बोलूंगी कार रुकने, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी। अपने बॉयफ्रेंड से छिप छिप के मिलने आई है। देखो तुम ये जो कर रहे हो वो क्राइम है। इनकी ना बातों को रिकॉर्ड कर लेती, ताकि अगर बाद में जरूरत पड़े तो सबूत हो मेरे पास। लेकिन इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि मेरा पेमेंट चुकाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लाओ दो। तो दमा तो डालना